हर्षल जी बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे पास आया है 200 शेयर्स ऑफ सुजलोन एनर्जी, तो 21 के रेट में लिया है मैंने, तो चला है होल्ड? गावा सर होल्ड करें ये लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, सुजलोन का जो चार्ट है, जब मैं मंथली चार्ट देखता हूँ तो एक ब्रेकआउट मिला था 30 के आसपास, वो मिला ब्रेकआउट कर 50 भी चला गया, 50 में एक साइकोलॉजिकल थोड़ा रेजिस्टेंस आता है वापस सेलिंग, उसके बाद वापस नीचे आएगा तो 30 के आसपास फिर एक सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, उसका जो टारगेट है बढ़िया रहता है, एग्रेसिव है, 9600 जोन से वहां तक जाना चाहिए, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। डोंट एक्सपेक्ट फास्ट रन, फास्ट मूव नहीं मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है सुजलोन। तो और खरीद लें क्या, थोड़ा और खरीद लें? नीचे आता तो खरीद सकते हैं अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। ओके दर्शन, नीचे आया तो और भी ले सकते हैं अगर आप सचमुच इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। बात करें तो सुजलोन के अंदर देखिए बिजनेस मॉडल जो है पूरा चेंज हो रहा है और सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस जो है वो एन्यूटी बेस्ड बिजनेस जो है वो कंपनी फोकस कर रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में काफ़ी रनअप आ चुका है, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नतीजे शॉर्ट टर्म के व्यू से आपने अगर लिया है तो मेरा मानना है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर रह सकता है, बट अगर आने वाले 3 साल की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर जैसे रिन्यूएबल के ऊपर हम लोग बुलिश है, मुझे लग रहा है कि सुजलोन के अंदर भी एक यहाँ से एक अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से है तो एग्जिट कर दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से है तो आप होल्ड कर सकते हैं। येस बैंक के अंदर आपको एग्जिट किराया है।